तो सर समझाने के लिए है ना, ये तो मतलब समझाने के कहा लिए कि ना, जैसे हमने सर। किसी से कहा कालुल हक्का, तो उसका मतलब ये होगा उन सबों लोगों ने सच कहा, वो सच्चाई पे है। हाँ अच्छा, उसके पहले तो हम नहीं लगेगा ना, नहीं जरूरी नहीं है। जैसे हम कालुल हक्का, तो फिर तो वो ही वाले हो गया, वो सब उन सबों ने कहा, या हम कालुल हक्का डबल भी हो ना कह जाएगा। सकते हैं। ज्यादा स्ट्रेस के लिए लगा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है। आप ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जुमलतुल फेलिया बना रहे हैं आप तो जरूरत नहीं होगा, और जुमलतुल इसमें बनाएंगे तो लगा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, दोनों चीजें सही है। अभी आप देखिए ना सर कुरान में वो उसमें कहीं कहीं पे लगा हुआ भी सिचुएशन है पे और डिपेंड कहीं। है। हाँ इंशाल्लाह वो आगे आएगा। अभी आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, गलत कुछ जैसे नहीं है उसमें। हमसे भी मुराद वो सब हैं, हाँ और हम कालुल हक का उन सब लोगों ने सच कहा, ये दोनों चीजें लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते। हाँ दोनों चीज लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, और कब लगाना कब नहीं लगाना ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन लगा सकते हैं दोनों इंशाल्लाह दोनों। चलो ये पढ़ना शुरू करिए आप, ये पहले पढ़ लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। अब देखिए काला जो है ना यहाँ पे चेंज हो जाता है, ये जैसे जैसे जाला था उस तरीके से था ना, ये काला जो है इसके बीच में अलिफ आ रहा है, ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये वर्ड जो है ना चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए आप, हुमा काला था यहाँ तक तो सेम है, अब देखो यहाँ पे हुन्ना, यहाँ पे कुलना हो गया, यहाँ पे कुलना, कुलता, कुलतुमा, कुलतुम, कुलती, कुलतुमा, कुलकुन्ना, कुलतु, कुलना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है अच्छा आपको, ये ऐसे याद कर लेना आप तो पढ़ अच्छा लीजिए। नाम लाम आ जाएगा अलिफ के बदले। अच्छा हाँ लाम आ जाएगा, तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ते पढ़ते आपको एकदम की प्रैक्टिस आ जाएगी। चलिए सर कहाँ, इंशाल्लाह एक बार और बताने सर, सर एक बार और बताइएगा कहाँ। जैसे हमने पढ़ा था ना, जाला, जाला, जालू, जालत, यस सर, जालता, जालना, ठीक है, यस जालता सर, है ना, तो जालता यस होता सर, है, तो यहाँ पे कालता नहीं होगा, यहाँ पे कुलता हो जाएगा, कुलता, कुलतुमा, कुलतु, जालती, अच्छा अच्छा कुलती, लाम आ गया यहाँ बीच में। जालतुमा, कुलतुमा, जालतुन्ना, कुलतुन्ना, जालतु, कुलतु, जालना, कुलना। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पेश लग जाएगा उसके ऊपर, और कुछ नहीं। आप पढ़ो उसके अच्छा ऐसे याद करने हैं, आपको बोलते समझते समझते इंशाल्लाह आ जाएगा। चलिए ये वर्ड पढ़िए अब, काला नया वर्ड है। हुआ قال الحق हुमा قال الحق हम قال الحق هي قالت ال هي قالت هي قالت الحق काला तो नहीं है, هما هي قالت الحق هما قالت الحق هنا قلنا قل وقالتا وما قالتا هما قالتا السلام الحق. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام भाई। हुन्ना कुलना अलहक्का, अंता कुलता अलहक्का, अंतुमा कुलतुमा अलहक्का, अंतुम कुलतुम अलहक्का। हाँ जी सर, एक मिनट। अंती कुलती अलहक्ती, अंतुमा कुलतुमा अलहक्का अलहक्का, अंती कुलती अलहक्का, अंतुमा कुलतुमा अलहक्का, अंतुन्ना कुलतुन्ना अलहक्का, अना कुलतु अलहक्का, नहनु कुलना अलहक्का। जैद भाई बाकी लोग कहाँ हैं सर सर, हमारा उनको सर मिला मिला के के पढ़ सकते हैं। समर पाइप में प्रॉब्लम आ रही है जब से बारिश हुई है। बिल्कुल भी नहीं चल रही, ऐसे ऐसे क्लास भी नहीं ले पा रहे, आज भी इंटरनेट से ले रहा हूँ बस। चलो ठीक, बाकी लोग भी साथ में तुम्हारे? अच्छा किसी का भी नहीं चल रहा सर अभी वाईफाई। चलो कोई सर वो बात जो नहीं। ओले आए से सारे मतलब सर्वर गए हुआ पूरा, अभी वाईफाई चल ही नहीं है यहाँ पे अंदर लोगों तो किसी का भी। अच्छा जी, अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। द रिलेटिव प्रोनाउन ये तुम देख लो, क्योंकि नई चीजें आ रही तुम्हें शायद पता नहीं होंगी। अब देखो जी रिलेटिव नाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अल अस्मा उल मौसूलतु, ये हमने पहले ये पढ़ चुके हैं पहले, और एक बार तुम पढ़ दो ताकि समझ में आ जाए, पढ़ दो जवाब। यस सर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। द रिलेटिव प्रोनाउन, सर थोड़ा सा नीचे और अरबी में देख लो क्या कहते हैं।
अस्माउल मौसूला रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन इन इंग्लिश इंक्लूड हु, होम, हुज, विच, व्हाट एंड दैट. जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं इंग्लिश में उनके अंदर आता है कौन, किसका, कौन से, कौन सी, किसके, क्या और वे, यानी दिस दैट. अ रिलेटिव प्रोनाउन इज कॉल्ड इन अरेबिक अ नाउन ऑफ द कनेक्टेड. जो रिलेटिव नाउन होता है अरबी में इसको बोलते हैं नाउन ऑफ द कनेक्टेड, जुड़ा हुआ नाउन, जुड़ा हुआ इस्म. ये कनेक्ट करता है इस्म के साथ, ठीक है, जो पहले इस्म आ रहा होता है उसके साथ, उसे कनेक्ट करता है. हाँ, इस्म के साथ कनेक्ट कर रहा होता है ये. इस्मुल मौसूल, इस्म मौसूल, मौसूल कनेक्ट कर रहा है सर. अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ी, अल्लज़ानि, अल्लज़ीना, अल्लज़ानि, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, अल्लतानि, लिल्लतीनि, अल्लज़ीना, अल-ऐनि, अल-ऐ, लाई. देखो अब ये बता रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन, लाई, हमने रिलेटिव प्रोनाउन भी पढ़े हैं, अल्लज़ी और अल्लती पढ़े हैं, लेकिन ये बता रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं. ये होता है अल्लज़ी, अल्लती. अल्लज़ी हम पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना अल्लज़ी, ठीक है. हाँ, ये मुज़क्कर के. अल्लती भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, चलिए अल्लती भी पढ़ चुके हैं. अब बच्चा है अल्लाह जानी और अल्लाह दीन, ये हमने नहीं पढ़ा, ये हम बुक टू में पढ़ेंगे. अल्लाह तानी और अल्लाह तीन, अल्लाह तैनी, अल्लाह जानी और अल्लाह जैनी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अल्लाह तानी और अल्लाह तैनी, ये भी हम आगे पढ़ेंगे. अल्लाह जीना और अल्लाह ई, ठीक है, ये सारे होते हैं, लेकिन ये हम अभी हमारे कोर्स में नहीं है, ये हम अगली नेक्स्ट कोर्स में पढ़ेंगे, बुक नंबर टू के अंदर, ठीक है. चलो नेक्स्ट पढ़ो. ठीक है अब्दुल रहमान, तुमने ये बताया था ना अल्लाह जी, अल्लाह ती, अल्लाह जानी, अल्लाह जी, अल्लाह जी सर, जी 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 जी. अभी नहीं पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे. ठीक सर, ठीक सर. नहीं, उसमें क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन दिया था ना, उसमें अल्लाह जी का दे रखा था कि जमा भी है, ये जमा की में भी आती है और मुफरद में भी आती है. अल्लाह ती का पूछा था मैंने, क्योंकि अल्लाह ती ना, सॉरी, अल्लती का, अल्लती ना जमा के लिए भी आती है अल्लती. अच्छा, हम कर इसकी अभी इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे. बेजान चीजों के लिए. अच्छा, इसी दिन में. अच्छा अच्छा, बेजान चीजों के लिए आएगी. थैंक्स. अच्छा निवेद भाई, बेजान चीजों के लिए आएगी ना अल्लती. जी जी, पढ़ाता जी, चीजों के लिए, जानवरों के लिए, लोगों के लिए, बहुत सारों के लिए जमा में, तो जमा में जो आएगी अल्लती, मुफ़रद मुअन्नस के लिए भी, और हाँ जमा चीजों के लिए, जमा चीजों के लिए जो जो अल्लती है, अल्लती है. हाँ अच्छा, जानदारों के लिए नहीं आएगी, बहुत सारे जानदारों के लिए नहीं आएगी, बहुत सारे जानदारों के लिए नहीं आएगी. लाएगा वो तो आगे आएगा जी, वो भी सर ने बता रहे ना अभी आगे, शायद हाउ लाएगा आएगा मेरे ख्याल में. This is Mrs. Shabina Hussain for 108 Foundry Avenue. And, one second. So you are Mr. Simon Chambers. Okay. So this job is for Thursday, 7th of May. And it's, you know, waiting advice, waiting schedule. Like me to reschedule the job then? Is the customer aware of it? Sure, I'll book it for tomorrow then. What time, in the morning? Okay, I'll do it in the morning then, right? Tomorrow morning between 8 and 12, sorry. Yeah, I'll do that for you, okay? Anything else? Part, yeah, sure, no worries. What's the part number?
Just give me a second, let me check what the parts in stock or not. What's the part number? It's a compressor, yeah. It's in the stock. How many you want? One. Okay. Sure, I'll put it on the job then, all right? It's in the stock. Anything else? Oh, thank you. Thank you, bye. आवाज बहुत आ रही है। चलो ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये पढ़ दो जवाब इंशाअल्लाह। यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In Arabic, relative pronouns come after definite nouns to introduce sentences that describe these nouns or provide additional information about them. अरबी के अंदर relative pronouns definite noun के बाद में आते हैं, definite यानी अल मारफा वाले जिनके आगे अल लगा होता है, to introduce sentences describe these nouns or provide additional information about them. इसलिए आते हैं ताकि उनके बारे में additional information ये बता सके। यानी के डेफिनेट नाउन अल मारफा वाले जो नाउन आते हैं उनके पहले आते हैं और इसलिए आते हैं ताकि उनके बारे में और मजीद ये जानकारी दे सके। रिलेटिव क्लॉजेस दैट फॉलो द रिलेटिव प्रोनाउन इस्मुल मौसूल कैन बी नॉमिनल और वर्बल सेंटेंसेस एंड बी क्वालिटी नज़बिक सिलतिल मौसूल। Relative clauses that follow relative pronoun ismul mausul के जो बाद में जो एक इस noun आ गया उसके बाद में जो आता है, पहले तो ismul mausul आएगा हमारा, फिर हमारा noun है मारफा वाला, उसके बाद में जो आएगा उसको हम बोलते हैं सिलतुल मौसूल। हाँ, और ये अल्लाजी और अल्लाती, अल्लाजानी, अल्लाजैनी, अल्लातानी, अल्लादैनी, अल्लाजीना, अल्लाई, इनके बाद जो भी वर्ड आएगा उसको हम कहते हैं सिलतुल मौसूल। सिलतुल मौसूल बोलते हैं, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी इतनी चीज है ये। ठीक है सर, एक गलती कर दी मैंने बताने में, मैंने बीच में नाउन मारफा वाला बोल दिया, वो नहीं आएगा, सीधा इनके बाद वाला जो आएगा, यानी डायरेक्ट इस्मुल मौसूल के बाद वाला जो आएगा उसे सिलतुल मौसूल बोलते हैं। हाँ, जो उसके बाद आएगा उसको। ठीक है सर, हाँ मैंने गलत बोल दिया था। ये हमने पढ़ा था, ये भी पढ़ दो एक बार जल्दी से ताकि रिविजन हो जाए। بسم الله الرحمن الرحيم الذي in the most of the time the relative pronoun comes in the middle of the sentence. जो relative pronoun है ज़्यादातर वो पूरे जुमले के बीच में आएंगे। it comes after definite noun, वो मारफा वाले जो nouns होंगे उनके बाद में आएगा। we use الذي with things, animals, people. الذي का जो हम इस्तेमाल है वो चीजों के लिए, जानवरों के लिए और लोगों के लिए करेंगे इंशाल्लाह। We use अल्लादी विद मैस्कुलाइन एंड सिंगुलर नाउंस। अल्लादी का जो हम इस्तेमाल है मुफरद मुजक्कर के लिए भी करेंगे। अल्लादी इट हैज टू मीनिंग्स, इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स इट मींस हु एंड इफ वी टॉक अबाउट थिंग्स और एनिमल्स इट मींस विच। अल्लादी के दो मतलब हैं, अगर हम इसको इंसानों के लिए इस्तेमाल करेंगे या इंसानों के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसका मतलब होगा हु मतलब कौन,
और अगर हम जानवरों के या चीजों के रेस्पेक्ट में बात करेंगे या जानवरों के लिए चीजें के लिए, तो इसका मतलब होगा वो, यानी विच, कौन सा, किस, कौन सा, कौन सी, कुछ इस तरह से। अमसिलतुन, 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 एग्जांपल, एग्जांपल, अमसिलतुन, ठीक है। अल मुदर्रिसुल लजी फिल मदरसति मुदर्रिसुन जदीदुन, अल मुदर्रिसुल लजी, अल आ गया अल मुदर्रिसु के बाद में आ रहा है, अल लजी मारफा के बाद वाले में आएगा, अल मुदर्रिसुल लजी, टीचर, अल लजी वो, हु, फिल मदरसति जो है स्कूल में, मुदर्रिसुन टीचर, जदीद मुदर्रिसुन जदीदुन, मुदर्रिसुन ये मौसूफ हो गया, जदीदुन सिफत हो गई। तो टीचर जो है स्कूल में, टीचर वो नया है, द टीचर हु इज इन द स्कूल इज अ न्यू टीचर, इसका इस्तेमाल इस तरह से होगा। अत्तालिबुल लजी हुवा जालिसुन मिन मिस्र, स्टूडेंट वो जो बैठा है वो मिस्र से है, The student who is sitting is from Egypt. ये था सर इंसानों के लिए। और मिस्र क्या है इसके अंदर? सर मिस्र वो है, क्या कहते हैं सर, वो बताया था मिम मिस्रा, जिनकी, जिनके आगे आखिर में वो आता है सर। ये ममनू मिनस सर्फ है, डिप्टोट नाउन है। ममनू मिनस सर्फ, ममनू मिनस सर्फ। तो ये मिस्री नहीं होगा, ये मिस्रा होगा। डिप्टोट नाउन। मिन की वजह से मिस्रा हो गया, ठीक है? मिस्रा हो गया सर। هذا هو البلد الذي اكل التفاحة اكل التفاحة اكل هذا هو البلد وہ جو ہے لڑکا الذي وہ جو کھایا جس نے کھایا سیب तो अल्लदी जो यहाँ आया है ये अल वलदु के बाद में भी आया है तो बीच में आ गया, इसका मतलब हो गया था दिस इज द बॉय, ये है वो लड़का हु ईट द एप्पल, जिसने सेब खाया। देखो हाजा था ना, इसमें इशारा भी आ गया, इसके अंदर मूल इशारा मौसूल भी आ गया, ठीक है। मूल मौ ये इस हाजा, इसमें इशारा करीब है, तो दिस ये sir. है हुआ, ये जमीर आ गया इसके अंदर, हुआ ये है, सॉरी सर मैंने वो बोल दिया, हुआ वो, ठीक है, वो अल वलदु वो लड़का, अल लजी जिसने खाया, अकलत तुफाहा, अकला यू आया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हुआ लगा है, ठीक है, तो उसने खाया, एक आदमी ना उसने खाया तो इसलिए अकल आया। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला का पढ़ो सर, एक सवाल है क्या आगे भी सर, जबर क्यों आया तुफाहा, क्या क्या बोल रहे, क्या बोल रहे सर, ये जो अल वलदुल लजी है तो क्या मौसूल सिफत होगा, ये इसमें मौसूल इसी को ही कहेंगे, इसमें मौसूल ये होगा अकलत तुफाहा, इसमें मौसूल पूछ रहे हो ना तुम, सिलतुल मौसूल पूछ, अच्छा इसमें मौसूल तो अल लजी है और अकलत तुफाहा सिलतुल मौसूल है। हाँ सर, अल वलदुल लजी ये पूरा क्या होगा, अल वलदुल लजी, हाँ। अच्छा ये तो जुमलतुल इस्मिया है ना, हाजा वो, हुवल वलदु वो लड़का, अल्लजी हुवा अल वलदु, अच्छा इसके अंदर ना दो मुब्तदा आ गई है, ठीक है, इसके अंदर दो मुब्तदा आ गई है, वो भी हमारा कोर्स नहीं है अभी, मुब्तदा वन एंड मुब्तदा टू, ये दोनों मुब्तदा ही है, ये मुब्तदा वन है और वलदु भी, हाँ हुवा भी मुब्तदा है, अल वलदु भी मुब्तदा है, तो दो मुब्तदा है, मुब्तदा वन और मुब्तदा टू, लेकिन अभी हमें ये करना नहीं है, तो समझ लो ये मुब्तदा है, अल्लाजी अकलत तुफाहा ये इसकी खबर है, और ये अल्लाजी जो है, ठीक है ना, तो ये अल्लाजी जो है ये है इसमें मौसूल और अकलत तुफाहा है सिलतुल मौसूल, लेकिन अभी ये आगे का चैप्टर है, इसको छोड़ दो, चलो तुम समझने की कोशिश करो कि सर अकलत, अकलत तुफाहा सर यहाँ पे इस्मुल वो होगा ना सिलतुल मौसूल, बस हाँ ये सिलतुल मौसूल है, बस इतना ध्यान रखो।
सर सिलतुल मौसूल का भी यही रूल है क्या? अकला जैसे इसमें लाम पे जबर आया तो तुफाह में भी जबर आएगा। अकला इसलिए आया है क्योंकि उस एक आदमी ने खाया है। हाँ ठीक है, अकला हमने पढ़ा था ना, अकला अकला अकलू, तो जब एक आदमी ने खाया तो अकला तुफाह, और हमें पता है कि पीछे से पता लग रहा है कि वो एक आदमी है, यहाँ पे हुआ लिखा है ना एक आदमी है। अच्छा यस सर, ठीक है सर। अच्छा इसके अंदर एक बात बताओ, क्या इसके अंदर बदल है? नहीं सर, नहीं है। नहीं है ना, अगर मैं हुआ हटाते तो बदल हो जाता फिर इसके अंदर? हाँ सर, हो जाता। सर फिर हो जाता सर। तो ये जो हुआ जो हमने लगाया है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा लगाया है एक्स्ट्रेस देने के लिए, हाजर वलदु भी उसका था। ठीक है चलो जी। कलम जो नया है वो जो रखा है मेज पर वो मोहम्मद के लिए है। अल कलमुल जदीदुल्लदी, ठीक है सर। द न्यू पेन विच इज ऑन द डेस्क बिलोंग्स टू मोहम्मद। अपने आप करने की कोशिश करो, उसका देखो मत नीचे से। यस सर। अल हिमारुल कबीर का, अल हिमारु बड़ा घोड़ा, बड़ा घोड़ा जो है गधा, गधा हमार, हाँ हिमार, हिमार हिमार, बड़ा जो गधा बड़ा है वो सड़क के बीच में है किसान का। हाँ ये क्या कह रहा है, जो बड़ा डोंकी जो है, द बिग डोंकी, अल्लाजी, वो पिशारी आई, वो जो स्ट्रीट में है, लिल फल्लाही, वो किसका है? किसान, फार्मर, किसान का, फार्मर का, किसान का। सर घोड़े के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? अल्हिसानु आएगा ना, सर हिसान घोड़े को कहते हैं। हाँ पढ़ा तो था हमने। सर हिसान, सर हिसान, सर हिसान बिसीन और बिस्वाद, हिसान हिसनानून या हिसनान, हिसान 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 हिसान, सर सीन के साथ। स्वाद, स्वाद है, स्वाद के साथ। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ठीक है स्वाद, मेरे को डाउट था मैं कंफर्म करा। ठीक है हिसान, 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 ठीक है सर। ठीक है हिमारुन हिसानुन, चलो ठीक है सर। अल्लाती ये पढ़ दो, ये पूछ रहा था मैं अब्दुल रहमान, एक लेकिन तुम पढ़ दो अब्दुल रहमान ये। ठीक सर। We use allati with things, animals, people. We use allati with feminine and singular nouns. Allati comes after definite nouns. We can use it with plural things or animals. Allati has two meanings. If we talk about human beings, it means who, and if we talk about things or animal, it means which. Sir, ये तो allati जैसा same है। बस ये था कि अल्लाह जो है फेमिनन मोनस के लिए भी आता है, सिंगुलर के लिए भी आता है, और अल्लाती और प्लूरल लेड हो गया, प्लूरल के लिए और जानवरों के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन यूज इट प्लूरल थिंग और एनिमल्स, कम कर ले। तो सर जो अल्लाह ही, अल्लाह वाकी और अल्लाती हैं, उनको यूज करेंगे नहीं करेंगे? फिर उनको भी करेंगे इंशाल्लाह, वो बुक टू में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी देखो कि जो जमा होती है ना, जमा, जहाँ पे जमा होगी, ठीक है, तो उसके लिए भी हम अल्लाती यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो किताब है, अल-मरावी, अल-मरावी लती, हाँ जैसे किताब है तो अल कुतुब, अल कुतुब अल्लाती भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है ना। ये सैयारा तू है,
सर तो जो सर जो अल्लती तो लगाएंगे ही नहीं अगर अल कुतुब है तो उसमें तो अल्लज़ीना लगाएंगे नहीं हाँ अच्छा अस्सय्यारतु है जैसे अस्सय्यारतु अल्लती नहीं अल कुतुब तो मुज़क्कर है अस्सय्यारतु अल्लती ठीक है ना और अल कुतुब के लिए भी अल्लती लगा सकते हैं अच्छा हाँ प्लूरल थिंग्स क्योंकि प्लूरल थिंग्स है ठीक सर ठीक है We can use it with the plural things or the animal. इसमें से example आएंगे अभी इस किताब के अंदर ये देखिए ये पढ़िए जरा ये पढ़ना जब तुम पढ़ना जरा Yes sir. Bismillahirrahmanirrahim. هذه الطالبة التي بال अब बोलो तुम बोलो هذه الطالب التي في المدرسة طالبة جديدة هذه الطالبة ये वो طالبہ जो है स्कूल के अंदर वो नई तालिबा है This student who is in the school is a new student الطالبة التي هي جالسة من اليابان الطالبة التي طالبة وہ جو بیٹھی ہے وہ جاپان سے ہے the student who is sitting is from Japan البنت التي ذهبت إلى السوق فاطمة البنت التي جو بیٹی بنت مطلب سر بنت لڑکی کے لیے یوز ہوگا سر یہاں پہ خالی ٹھیک ہے سر لڑکی جو مارکیٹ سے وہ لڑکی جو مارکیٹ گئی وہ فاطمہ ہے جو وہ لڑکی جو مارکیٹ کی طرف گئی وہ الى السوق فاطمہ وہ فاطمہ ہے البنت التي ذهبت الى السوق فاطمہ ٹھیک ہے the girl who went to the market is فاطمہ اچھا لڑکی جو گئی مارکیٹ کی طرف وہ فاطمہ ٹھیک ہے سر آگے نیکسٹ والا السيارة الجديدة التي في الشارع للمدير گاڑی جو نئی ہے جو کھڑی ہے گلی میں جو گلی میں ہے وہ ہیڈ ماسٹر کی ہے مدن مدیری صحیح ہے نا سر اب اب یہ دیکھو ایگزامپل یہ دیکھو ایگزامپل اور اس کے اندر نا تم صحیح کہہ رہے تھے عبد الرحمان اس کے اندر ابھی تو ہم نے ابھی تو تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ مذکر کی جمع آئے گی یا نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو ابھی ہم یہ لیں گے کہ مونس کی جمع آئے گی باقی میں چیک کر کے بتاؤں گا یہ میرے دماغ میں آ نہیں رہا تو آپ یہ دیکھو الساعتو الساعتو ٹھیک ہے گھڑی اور گھڑیاں الجدیدتو جو نئی ہے اللتی ان کے لیے بھی اللتی آئے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے الساعتو ابھی دیکھنے پڑے گا سر ان کے لیے تو آئے گا ہی نا کیونکہ یہ تو ویسے بھی سر وہ ہے نا بے جان ہاں بے جان چیزیں ہیں ابھی دیکھنا ہے بے جان چیزیں اگر مذکر اگر بے جان چیزیں اگر مذکر ہو تو کیا اس کے لیے بھی اللہ آئے گا یہ انشاءاللہ میں چیک کر کے بتا دوں سر یہ پوچھا تھا نا میں نے آپ نے بتایا آگے آ رہا ان میں دو میں آگے ہاں میرے نا دھیان سے نکل رہا ہے یہ چیزیں میں دیکھوں گا انشاءاللہ چلو تم یہ پڑھو اس میں بھی ہو سکتا ہے سر ٹھیک ہے سر پڑھو اس میں الساعات الجدید التی علی المکتب للمدرسی گھڑی یا گھڑیاں جو نئی ہے جو رکھی ہے ٹیبل جو ٹیبل پر ہے وہ مدرس ٹیچر کی ہیں البقار الکبیر التی گائیں یا بہت ساری گائیں جو بڑی ہیں بڑی گائیں جو گلی میں ہیں وہ کسان کی ہیں اشارہی للفلاحی اب دیکھو اب یہ امثلتن اب اگزامپل ہیں اب آج تمہیں کیا کرائیں گے آج تمہیں کرائیں گے ضمیر المتصل پہلے تم یہ پڑھ لو تاکہ تمہیں وہ چیز الاسم موصول مع دمائل منفصل
वन फसल इस्म मौसूल माँ सात किसके आ रहे हैं दमाइल मुनफसिल के, ये तुम्हें पता है, ये भी पढ़ दो तुम। अनल लजी क़रातुल किताब, क़रातुल किताब क्या मतलब है उसका? मैंने पढ़ी किताब, मैंने मैं ही हूँ जिसने किताब पढ़ी। हाँ अना मैं हूँ, अल्लजी वो जो करा तू पढ़ता है किताब, मैं ही हूँ वो जिसने किताब को पढ़ा है। ठीक है चलो नेक्स्ट पढ़ो। अंता अल्लजी क़रातल किताब, तुम हो वो जो पढ़ता है किताब। हुआ मुहम्मदिन अलियुन अल्लजी क़रातल किताब, तुम हो वो दोनों जो पढ़ते हो किताब। हुआ अल्लजी करा अल किताबा, करा अल किताबा ये हुआ। ठीक है एक ने पढ़ी करा, नेक्स्ट पढ़ो। अना 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 अल्लती करा तुल किताबा, मैं हूँ वो जो पढ़ती है किताब। अना अल्लती क़रातु, मैं हूँ ये मौनस है, कह रहे हैं अना मतलब मैं हूँ वो लड़की जिसने पढ़ी है किताब, ये मौनस है। ठीक है अना मुज़क्कर मौनस दोनों के लिए आता है ना। ठीक है यस सर। अंति अंतिल अंति अल्लती क़रातिल किताबा, तुम हो वो लड़की जो पढ़ती है किताब। हिया सफियतु फातिमतु अल्लती क़रात अल किताबा, टाइम तो अगर खत्म, तुम हो वो दोनों जो पढ़ती हो किताब। अच्छा ये बताओ ये तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? मैं यार रुक जाऊं फिर यहाँ पे, आज कल कराएंगे फिर। नासिर भाई समझ में आया नहीं आया? बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए सर। नासिर भाई समझ में आ गया ये? चलो ठीक है, क्योंकि ये इसलिए बता रहे थे क्योंकि आज से हमें ये शुरू करना है। एक काम करता हूँ, ये जैसे बंद होगी ना, हम 10 मिनट की और एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा सा, जैसे ये बंद होगा ना तो मैं आपको ना दोबारा से वो डालता हूँ इसके ऊपर, नहीं फिर नहीं हो पाएगा। एक काम करना तुम, मैं आपको ना ये भेज रहा हूँ, ये स्लाइड आप पढ़ के आना घर से, ठीक है? देखो क्या समझ में आया सर। हाँ ये बेहतर है सर, तुम पढ़ के आना, क्योंकि हम जमीर मुत्तसिल देखना यूट्यूब वगैरह पे जमीर मुत्तसिल क्या होती है। ठीक है ये स्लाइड मैं आपको भेजूंगा, क्लास हम खत्म कर देते हैं अभी, तो इंशाल्लाह फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ये पूरी स्लाइड आप पढ़ लेना, ठीक है? ये है वैसे, आप उसके अंदर से डाउनलोड कर लेना, ये देखिए ये है। ठीक है यहाँ पे हुआ कलम हुआ।